साथियों, बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में तथागत गौतम, आप लोग इधर आ जाइए, स्वागत जी, इधर आइए। पावन एवं पवित्र धरती पर जनपद सरावती में आयोजित चुनावी जनसभा की मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य की चार चार बार मुख्यमंत्री रही, न्याय पसंद लोगों की नेता एवं इस जनपद सरावती की स्थापना करने वाली परम आदरणीय परम सम्मानित मान्य बहन कुमारी मायावती जी हम सबके बीच में आ चुकी हैं। मैं अपनी तरफ से और इस जनसभा में उपस्थित समस्त लोगों की तरफ से मान्य बहन जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ये चाहता हूं कि मंच पे उपस्थित लोग, सामने जो हमारी माताएं बहनें नौजवान साथी, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जितने भी साथी आए हैं, सारे लोग अपने स्थान पर खड़े होकर दोनों हाथ से ताली बजा करके मान्य बहन कुमारी मायावती जी का स्वागत करने का काम करें। साथियों, मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में कैसरगंज लोकसभा के हमारे प्रत्याशी श्री नरेंद्र पांडे जी हैं। आप जो हमारा आपका सबका चुनाव निशान है, हाथी भेंट करके मान्य बहन जी को हाथी भेंट करने का काम करें। तुलसीपुर विधानसभा से पूर्व में चुनाव लड़े भाई विधानसभा का भाई भुवन प्रताप सिंह जी से चाहूंगा कि वो मान्य बहन जी को मुकुट भेंट करने का काम करें। मान्य बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, मान्य बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। मान्य बहन जी द्वारा आशीर्वाद प्राप्त उपचुनाव गैसड़ी में प्रत्याशी भाई हारिस खान जी को से चाहूंगा कि वो हाथी भेंट करके मान्य बहन जी को हाथी भेंट करने का काम करें। मान्य बहन जी आप संघर्ष करो, मान्य बहन जी आप संघर्ष करो। मैं मान्य बहन जी से निवेदन करूं कि हम सबको संबोधित करें, उससे पहले जोरदार नारा लगा करके मान्य बहन जी के सम्मान में नारा लगाने का काम करें। मान्य बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, मान्य बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। अब मैं बड़े आदर और सम्मान से निवेदन करूंगा कि मान्य बहन जी पोडियम में आए और हम सबको संबोधित करने की कृपा करें। मान्य बहन जी, बीएसपी के एक चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग देश में यहाँ आपके उत्तर प्रदेश स्टेट में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। जैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी है, जिनको कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हैं। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़, खराब मौसम होने के बावजूद भी आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे भी एक काफ़ी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से या लोकसभा चुनाव में
अपने पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र में देश के काफ़ी राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र में काफ़ी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनके सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफ़ी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए। लेकिन इनकी भी ज़्यादातर रही जातिवादी पूंजीवादी संकीर्ण सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफ़ी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी व नई चल रही नाटकबाजी जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफ़ी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों कमजोर तबकों मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनत कश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे तथा अनेकों हवा हवाई व कागजी गारंटी आदि मिली है तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग एक चौथाई हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज़्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज़्यादा से ज़्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियाँ भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफ़ी कुछ खुलासा बोर्ड की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड के मामले में जो रिपोर्ट उजागर की है कि किन किन पार्टियों ने बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों से पैसा लिया है, ये जो ये रिपोर्ट उजागर की है तो उस रिपोर्ट के उजागर होने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी पार्टियां हैं तो सभी पार्टियों ने तो बॉन्ड के जरिए तो बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों से पैसा लिया है, लेकिन पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने बॉन्ड के जरिए किसी भी पूंजीपति से पैसा नहीं लिया। और आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी मेंबरशिप के जरिए मेरे जन्मदिन के मौके पर आपसे थोड़ा आर्थिक से